नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल आर डूइंग वेल। स्टे सेफ, घर पे रहिए। आज हम बना रहे हैं भल्ले। तो भल्ले के लिए अभी हम पहले दाल भिगो के रखेंगे और दाल हम 5 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखेंगे। हम इसमें 4 तरह की दालें इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले है ये मलका की दाल, इसको हम डाल रहे हैं, और हम चार दाल मिक्स कर रहे हैं। वैसे अब इसमें हम चना दाल डाल रहे हैं, इक्वल क्वांटिटी में लिया है हमने चना दाल, मलका की दाल। आप चाहें तो 2 दाल मिक्स करके भी बना सकते हैं, आप चाहें तो सिंगल 1 दाल के भी भल्ले बना सकते हैं। मूंगफली के भी बना सकते हैं, चना दाल के भी बना सकते हैं, मलका के भी बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं उड़द धुली दाल। हमने थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा ली है बाकी से, मतलब अगर हमने 3/4 लिया है तो हमने एक पूरी कटोरी ये व्हाइट वाली दाल ली है जिसको उड़द धुली कहते हैं। हमने चना दाल और मलका की दाल ली है पहले, वो हमने 3/4 लिया है। और अब इसमें हम डाल रहे हैं मूंग धुली, ये भी हमने पूरी कटोरी ली है। अब इसको हम पानी के अंदर डालेंगे और 5 घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे, और उसके बाद ये रेसिपी स्टार्ट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। दाल हमने वॉश करी है, अभी पूरी तरह से वॉश नहीं करा है, अभी इतना ही वॉश करके 2 बार हमने वॉश करा है, और इसको हम ढक के अभी ऐसे ही रख देंगे। जब हम बनाने लगेंगे भल्ले, उससे पहले हम इसको अच्छे से धो के फिर बनाएंगे, फिर उसको ग्राइंड करेंगे। जैसे जो भी आगे रेसिपी है हमारी, आप देखते रहिए और सांझे रसो बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस विद उपासना को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं, और आप बनाइए, खाइए और खिलाइए। अब हमने ये जो हमारी दाल जो हमने भल्ले बनाने हैं उसके लिए जो हमने दाल रखी थी, ये सारी दालों को हमने पानी डालकर रखा हुआ था, इसको हमने पानी निकाल दिया, इसको अच्छे से वॉश कर दिया, और अब हम ग्राइंडर में इसको पीस रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब हम ये दाल हमारी पीस गई है, ऐसे ही हम अपनी बची हुई बाकी दाल जो ये पड़ी है इसको हम पीस लेंगे और फिर रेसिपी अपनी स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए देखते रहिए सांझी रसोई, अ बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस विद उपासना, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। अब ये जो हमने दाल पीसी है, इसको हम एक बर्तन में बाहर निकाल लेते हैं। देख रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इसको। ये बहुत ज्यादा जैसे इसका टेक्सचर हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे आइसक्रीम। सीरियसली, आइसक्रीम की भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, पर अभी भल्ले से ही काम चलाते हैं। हम बाकी अपनी दाल डाल रहे हैं मिक्सर जार में, और इसको भी हम इसकी तरह पीस लेंगे और फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। अब हमने सारा मटेरियल अपना पतीले में निकाल लिया है जो दाल हमने पीसी है। अब उसमें हम ये आधी चम्मच जो है हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। बेकिंग पाउडर से ये होगा कि ये फूले फूले बनेंगे, अच्छे बनेंगे। इसमें सादा नमक डाल रहे हैं। अब हम नमक मिर्च अपने आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कईयों को ज़्यादा पसंद होता है, कईयों को कम, अब उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो इसमें ये नहीं होता कि एकदम पटीलर ही डालना है। इसमें लाल मिर्च डाल रहे हैं और अब इसको बैटर को हम मिक्स करेंगे और फेटेंगे। जितना हम फेटेंगे इसको उतना ही हमारा अच्छा भल्ला बनेगा। जैसे इसमें होता है ऐसे ही जितनी अच्छे से हम बीट करेंगे कॉफी, उतनी अच्छी कॉफी बनेगी, और जितनी अच्छे से हम बीट करेंगे, चाहे वो इडली का बैटर हो, चाहे वो बेसन का चीला बना रहे हों, जितना अच्छे से फेटते हैं उसका स्वाद उतना बढ़ जाता है, और साथ ही साथ उसमें जो टेस्ट तो अच्छा आती है, साथ साथ अच्छे वो खिले खिले फूले फूले बनते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अब हम हिलाना स्टार्ट करते हैं इसको। इसको हम हिलाएंगे अच्छे से, मिक्स करेंगे और हिलाते रहेंगे जब तक ये, पहले तो मिक्स करेंगे इसको, फिर अच्छे से फटा मारेंगे। इतना अच्छा फटा मारेंगे उतनी अच्छा हमारा
दही बल्ले बनेंगे। दही बल्ले जब हम बनाएंगे तो कुछ हम सूखे भी रखेंगे, क्योंकि मुझे सूखे बल्ले खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसको आप मूली के साथ भी खा सकते हैं, चटनियाँ डाल के भी खा सकते हैं, आप वैसे भी खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, भल्ले बनाने के लिए कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में तेल डाला है और तेल को गर्म होने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हम भल्ले बनाएंगे। हमारा गर्म हो गया है और अब हम चम्मच की हेल्प से भल्ले डाल रहे हैं ऐसी डाल देंगे। हमें तेल से करने के लिए पहले इसमें, जैसे आपको ये नजर आ रहा है रेड, ये हमने डाल के देखा था कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। पहले बना रहे हैं, अगर हम इसको दही और के साथ लेते हैं तो इसको भल्ले कहते हैं, और अगर मूली के साथ चटनी वटनी लगा के खाते हैं तो इसको राम लड्डू कहते हैं। एक ही चीज़ के अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग जगह पे। ये हमने डाल दिए और इसको एकदम से नहीं, बस हम देख रहे हैं कि एक साथ चुके ना, इसको हम गर्म होने देंगे। दही बल्ले कहते हैं, कहीं जगह दही बड़े कहते हैं, सारी सारी जगह अलग अलग नाम है इसके। जब तक इसके गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाता एक तरफ से, तब तक हम सेकेंगे, इसलिए हम चेंज कर देंगे इसकी दूसरी तरफ कर देंगे। इसको हम चलाते रहेंगे, अभी इसका कलर चेंज हो गया, इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। हमने प्लेट लिया, इसके ऊपर हमने नैपकिन रखा है और इसको हम निकाल रहे हैं बस। ऐसे हम बाकी और भल्ले भी कर लेंगे। इसको हम गुलगुले भी कहते हैं, तो अभी हम एक टेस्ट करके देखेंगे, क्योंकि हमें ऐसे, मुझे ऐसे सूखे ये अच्छे लगते हैं गुलगुले खाने। बाकी दही बल्ले के साथ पूरा सेट करके वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। ऐसे हम बाकी अपने तल लेंगे। हमारे सारे जो भल्ले हैं वो तल लिए हैं हमने, आप देख सकते हैं। अब हम इसको, आप अगर मूली के साथ खाएंगे तो ये बन जाएंगे गोले, गोले भी कहते हैं इसको, और काफी अलग अलग नाम से फेमस है। लड्डू, राम लड्डू भी कहते हैं। और अगर आप इसको चटनी वटनी के साथ खाएंगे दही में डालकर, तो ये दही भल्ले हैं और राम लड्डू हो गए, दही बड़े हो गए, दही भल्ले हो गए, कुछ भी कहिए, आप बनाइए, खाइए, खिलाइए और हमें बताइए कि कैसे लगे। हेलो फ्रेंड्स, दही भल्ले बनाने के लिए हमने पैन के अंदर भल्ले लिए हैं, पानी डाला और पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है। अब हमने गैस का फ्लेम कम रखा है, लो फ्लेम रखा है। अब इसका फ्लेम हम हाई कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमने दही भल्ले बनाने के लिए हमने पैन लिया है, पैन के अंदर पानी लिया है, पानी के अंदर हमने भल्ले डाले हैं और इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है। जब हम इसको भल्ले के लिए तैयार करेंगे तो हम ये इसको निकालेंगे, इसको निचोड़ेंगे, और जो भी प्रोसीजर है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए आप बने रहिए और देखते रहिए सांची रसोई बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस विद उपासना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उबाला आ गया है, हम गैस बंद कर रहे हैं। अब इसको हम ढक के रख देंगे, फिर जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे कि कैसे दही भल्ले बनाए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं दही भल्ले बनाने की।
कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब बना स्टार्ट नहीं कर रहे, कंप्लीट कर रहे हैं। हमने दही लिया है, दही के अंदर हमने ब्लैक पेपर डाल रहे हैं अभी हम, और हमने काला नमक पहले डाला हुआ, ब्लैक सॉल्ट डाला हुआ है, इसको हम मधानी से मिक्स कर रहे हैं। विस्क, ये हमारा विस्क है, तो हमें इसे विस्क कर रहे हैं। अब मधानी की तरह समझकर हम इसको मिला रहे हैं, मधानी नहीं है बट मिला रहे हैं हम, टू इन वन काम कर रहे हैं। और अब हम इसमें, अब हम एक बाउल ले रहे हैं और इसके अंदर हम अपने भल्ले रख रहे हैं। भल्लों को हम पहले पानी निकाल दिया है हमने, इसमें पानी था तो वो पानी निकाल दिया है हमने, और अब हम इसमें कर्ड डाल रहे हैं। अगर आपके पास पापड़ी है तो आप पापड़ भी डाल सकते हैं। बाउल लिया है, उसमें हमने भले रखे हैं, उसमें कर्ड डाल रहे हैं। अब हम इसमें भुना हुआ जीरा डाल रहे हैं। ये हम बाजार की तरह सजा रहे हैं आपके लिए, और इसमें हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे, देखते रहिए। ये स्पेशल डिमांड पर है हितेंद्र दलाल, उन्होंने ये बोला था कि आप बनाए दही भल्ले बनाए। ऊपर हमने हरी चटनी डाली है, हरी चटनी की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, और ये हम रेड वाली चटनी डाल रहे हैं, इसकी रेसिपी हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। और अब हम इसमें लाल मिर्च डाल रहे हैं। मार्केट में पीली मिर्च मिलती है, सो ये हमारी रेडी है। मार्केट में पीली मिर्च मिलती है, वो भल्लों के ऊपर डाली जाती है, दही भल्लों के ऊपर, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारा दही भल्ले की बाउल रेडी है, आप खाइए, बनाइए, खाइए, खिलाइए, और हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून विद सम अनदर ऑथेंटिक वीडियो, बाय।